वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के हॉल वीडियो में आप देखने वाले हैं कुछ ज्वेलरी सेट्स। ये सारे अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी सेट्स हैं, इन्हें एडी ज्वेलरी भी बोल सकते हैं। आज का कलेक्शन मीशो से है, तो इनका जो भी परचेज कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज के कलेक्शन में मैंने कुछ ऐसे ज्वेलरी सेलेक्ट किए हैं जिन्हें आप किसी भी पार्टी फंक्शन में वेयर कर सकते हो, वेडिंग में वेयर कर सकते हो। अगर आपके घर की वेडिंग है तो उसके लिए भी है हेवी ज्वेलरी, और अगर आप कहीं किसी वेडिंग में जाते हो एज ए गेस्ट जाते हो तो उसमें हम चाहते हैं कि कुछ लाइट वेट ज्वेलरी ही वेयर करें, हेवी ज्वेलरी नहीं पसंद आती है अगर हम कहीं पार्टी में एज ए गेस्ट जाते हैं तो। उसके लिए भी है, किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन में वेयर कर सकते हो, चाहे वो छोटी मोटी पार्टी क्यों ना हो, उस तरह की ज्वेलरी भी है आज के कलेक्शन में। तो फिर चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फ्रेंड्स, सबसे पहले है ये ज्वेलरी, इसे मैं आपको दिखाती हूँ। प्राइस इनका बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, इतने कम प्राइस में आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतनी अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी मिल सकती है। प्राइस जो है आपको ऊपर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्वेलरी में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में खासकर, क्योंकि इस तरह की ज्वेलरी जो है वो हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेयर करते। 4-5 वेडिंग फंक्शन में पार्टी में वेयर कर लिए, उसके बाद हमारा मन नहीं होता कि एक ही ज्वेलरी बार बार हर जगह वेयर करें। तो उसके लिए ये मीशो बहुत ही अच्छा है, कम प्राइस में बहुत अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। तो फर्स्ट ज्वेलरी है ये सिल्वर कलर की, एडी लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही लाइट वेट है। इसे आप हर तरीके के पार्टी फंक्शन में वेयर कर सकते हो, हर ड्रेस के ऊपर ये अच्छी लगती है, चाहे आपने साड़ी वेयर किया हो, गाउन वेयर किया हो, या फिर किसी तरह का वेस्टर्न ड्रेस ही वेयर किया हो, हर तरीके के ड्रेस के साथ ये अच्छी लगती है। ये कुछ ऐसी है, इसका बैक साइड ये है, फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कहीं से भी फंसने वाली नहीं है। इसमें इस तरह की चेन मिलती है, यहाँ पे हुक लगी है, इसे आप अपने नेक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये ज्वेलरी। तो अब इसका इयररिंग देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है इसका इयररिंग, इयररिंग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, डायमंड शेप में है, लुक वाइज तो बिल्कुल डायमंड वाला ही लुक देता है। इसे अगर आप चाहो तो सिर्फ इयररिंग भी वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये वाला सेट। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये सेट। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने लिए परचेज कर सकते हो, मैं तो बोलूँगी कि डेफिनेटली आप इसे परचेज करो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इसका जो परचेज कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करें। तो फिर चलिए अब देखते हैं हमारा सेकेंड पीस। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकेंड पीस, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस वाला सेट है ये, जैसा कि आप देख रहे हो बड़े बड़े दो डायमंड्स लगे हैं इसमें, सॉरी एडी जो आप बोलो, डायमंड बहुत ज़्यादा हेवी हो जा रहा है जैसा कि मैं बोल रही हूँ, एडी लगे हैं। बहुत ही प्यारी है ये, बिल्कुल नेक पे इस तरह से फिट हो जाएगी जब आप वेयर करोगे। इस तरह की ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसे आप किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो, साड़ी के साथ भी बहुत ही ऑसम लगेगी, गाउन वेयर किया हो तो भी आप इसे वेयर कर सकते हो, वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी ये। अगर खुद आपकी बर्थडे है उसके लिए भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। लुक बहुत ही अच्छा है, मैं आपको साइड में लुक भी शो कर रही हूँ, तो इसकी लुक जो है बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। इस तरह की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होती है एज ऑलवेज, तो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। बैक साइड से ये कुछ ऐसा है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, लुक तो कमाल की है इसकी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे परचेज करें। इसमें इस तरह की चेन मिलती है, हुक लगी है, नेक के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसके साथ जो इयररिंग है वो मैंने अभी वेयर किया हुआ है, जैसा आपको इसमें मिल रहा है ना
ये एडी लगी हुई है, सेम एक एडी की यहाँ पे इयररिंग्स मिलती है, मैंने वेयर की हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये जो इयररिंग है ये वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी जाएगी, और जैसा कि आप देख रहे हो मैंने एक टॉप पहना उसके साथ भी अच्छी लग रही है, छोटी सी इयररिंग है। तो इसे आप कैसे भी वेयर कर सकते हो, किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो, अच्छी लगेगी। इस तरह की इयररिंग भी बहुत प्यारी लगती है, क्यूट लगती है। तो ये था हमारा सेकेंड पीस, इसका जो भी परचेज कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्राइस तो आपने स्क्रीन पे देख ही लिया है, मैंने फ्लैश किया है। तो फिर चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट पीस, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही हेवी है, इसके साथ मांग टीका भी मिलता है। इस तरह की ज्वेलरी अगर आप ब्राइड हो तो आप परचेज कर सकते हो, या फिर आपके घर की वेडिंग है तो आप परचेज कर सकते हो, या फिर ऐसे भी आपको अच्छी लग रही है तो क्यों नहीं परचेज करोगे, अच्छी लग रही है तो परचेज कर ही सकते हो। ये कुछ ऐसी है, इसमें और भी कलर्स थे, गोल्डन कलर थे, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एडी वाले ज्वेलरी जो होते हैं, अमेरिकन डायमंड वाले ज्वेलरी, सिल्वर कलर में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने सिल्वर कलर में ही मंगाया है। बाकी आप एक बार डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो, आपको जो पसंद आए आप वो परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसका नेक पीस दिखाती हूँ। पैकेजिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बैक साइड से मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से लॉक किया हुआ है सब कुछ, कुछ भी इधर से उधर हिलता नहीं है। और इसके साथ इस तरह के डब्बे भी मिले थे, डब्बे में था ये। तो मैं इसे ओपन करती हूँ, दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स इसका नेक पीस कुछ ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा हेवी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एडी इसमें जो लगी हुई है ना बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही है। और फ्रेंड्स जो साइड से आपको वॉइस आ रही है वो मेरे बेटे की है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, छोटा है, खेल रहा है, बगल में है, तो उसको प्लीज़ उसको इग्नोर करें। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अगर आप ब्राइड हो तो मैं कहूँगी इसे परचेज करें। इस तरह की ज्वेलरी अभी ब्राइड बहुत ज़्यादा पहन रही है, अच्छी लगती है, या फिर अगर आपकी इंगेजमेंट है तो उसके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट ज्वेलरी है। इसे मैं अच्छे से वेयर करके आपको दिखाऊंगी। अभी आप ऐसे देखो, इसके साथ ये चेन मिलती है जिससे आप अपने नेक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाओगे। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सेट है ये फ्रेंड्स, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। जैसी इसकी क्वालिटी है ना, प्राइस के हिसाब से ये वर्थ इट है, इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी, मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और मुझे नहीं लगता मीशो के अलावा किसी और ऐप पे इस तरह की क्वालिटी इतने कम प्राइस में मिल सकती है। तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे परचेज करें। इसमें गोल्डन कलर भी है, तो आप अगर सिल्वर नहीं लेना चाहते तो गोल्डन भी परचेज कर सकते हो। इसका जो भी परचेज कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका प्राइस लगभग 450 के अराउंड ही है, 500 के अंदर में ही है इसका प्राइस। तो जो भी हो आप डिस्क्रिप्शन से एक बार चेकआउट करें, प्राइस आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है तो वहाँ से आप देख ही सकते हो। बहुत ही प्यारी सेट है, बैक साइड से ये कुछ ऐसी है, गले में बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगी, चुभेगी नहीं, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें जितने भी एडी लगे हुए हैं सभी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक भी एडी निकली हुई नहीं मिली है मुझे, सभी एडी अपने जगह पे फिक्स है। मैं आपको क्लोजअप से लुक दिखा रही, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं इसमें। जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर में, ऊपर साइड में यहाँ पे बड़ी सी स्टोन लगी है, और उसके बाद नीचे साइड में इधर छोटी छोटी स्टोन लगी है, मतलब दो तीन, 1 2 3 4 साइज के इसमें एडी लगे हुए हैं। बहुत ही क्यूट लग रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं इसकी कितनी तारीफ करूँ, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप, मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आप इसको परचेज करो। तो अब इसका इयररिंग देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये है इसकी इयररिंग, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही बड़ी है साइज वाइज, इसकी जो शाइन है गजब की शाइन है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है। जैसा कि नेक पीस था बिल्कुल सेम उसी तरह की एडी इसमें भी लगी है, इसमें 4 साइज के एडी लगे हुए हैं।
अगर आप चाहो तो नेक पीस नहीं पहन के अगर सिर्फ इयररिंग भी पहनते हो ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी। इसे मैं अच्छे से वेयर करके आपको पूरे सेट दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है ये। लुक वाइज ये बहुत ज़्यादा हेवी लग रही है, पर इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है और बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं कहूँगी, मीडियम है इसका वेट। इसे वेयर करके आप आराम से 4 से 5 घंटे तक रह सकते हो, आपके कानों में दर्द नहीं होगा। बहुत कम वेट वाले ज्वेलरी भी जो होते हैं वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इसलिए वेट थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है लेकिन हाँ चल जाएगा। 4 से 5 घंटे आप इसे आराम से वेयर कर पाओगे। कुछ इस तरीके की है बैक साइड से, ये ऐसी है। फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी क्वालिटी A1 है। इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी मत सोचो, सेकंड थॉट बिल्कुल भी मत लाओ अगर आपको पसंद आ रही है तो। ये था इसका इयररिंग, इसके साथ मांगटीका भी है जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ये है इस सेट का मांगटीका, बहुत ही प्यारी डिजाइन है इसकी भी जैसा कि आप देख रहे हो। मांगटीका वेयर करना और वो भी पार्टीज में किसे नहीं पसंद, हर किसी को पसंद आती है। तो ये मांगटीका आप ट्राई कर सकते हो, सिर्फ इयररिंग और मांगटीका भी पहन लोगे ना तो ये इनफ हो जाएगी एज अ पार्टी गेस्ट के लिए। और अगर आपके घर में शादी है तो उसके लिए तो आप नेक पीस भी डालोगे, बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरह की ज्वेलरी लहंगे के साथ बहुत प्यारी लगती है, साड़ी वेयर किया हो उसके साथ भी अच्छी लगती है। तो आप साइड में देख ही रहे हो, वेयर करने के बाद इसका लुक बहुत ही ज़्यादा ऑसम आता है। तो ये था हमारा आज का हेवी वाला सेट। तो अब चलिए हम देखते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट पीस। ये है 2 पीस बैंगल सेट, इसमें मैंने अपने लिए 2-6 साइज लिया है। इतने सारे ज्वेलरी सिर्फ नेक के लेंगे और हाथों में कुछ ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस ज्वेलरी से मिलती जुलती इस तरह की बैंगल्स भी मंगाई है। जो लुक जैसा कि आप देख रहे हो, लुक बहुत ही अच्छी है। अगर आप ओनली फॉर लुक पर्पस लेना चाहते हो तो आप इसे ट्राई करो। वैसे मैं इसे बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लगी। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें इस तरीके की शाइन तो कर रही है बट इसमें कोई भी एडी नहीं लगी हुई है, इसमें जो भी है सिर्फ कटिंग है। वेट बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसमें कटिंग है और सिल्वर कलर की पॉलिश की हुई है। लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लुक में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो एक दो पार्टी फंक्शन तो इसमें चल जाएगी बट जैसा आप समझ सकते हो उतनी भी ज़्यादा मुझे नहीं पसंद आई है। अगर आपको पसंद आ रही है, रेंज के अकॉर्डिंग आपको ठीक लग रही है तो आप इसे परचेज कर सकते हो। इसका परचेज कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये है इसका लुक, लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ही है, अब इतने कम प्राइस में और क्या चाहिए। प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी है, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप परचेज कर सकते हो बट हाईली वाला रिकमेंड मैं इसे नहीं करूंगी क्योंकि इसमें एडी, एक भी एडी नहीं लगी हुई है, जो भी है बस इसमें शाइन, पॉलिश की शाइन ही दिख रही है। तो ये था हमारा बैंगल। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारे इस वीडियो का लास्ट पीस। तो ये है हमारा लास्ट पीस, इसमें एक इयररिंग है। सो फ्रेंड्स ये है इयररिंग, ये इयररिंग अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और मीशो पे मैं ऐसे ही ज्वेलरी सर्च कर रही थी तो मुझे ये इयररिंग दिखी तो मैंने इसे मंगाया। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुई है फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत अच्छी शाइन कर रही है। साइज इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत बड़ी है और ये जो लड़िया दिख रही है ये कुछ ऐसी है। इस तरह की इयररिंग वेस्टर्न ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। वेस्टर्न गाउन वेयर किया हो आपने उसके साथ इसे पेयर अप करो, बहुत ही ज़्यादा ऑसम वाली लुक देती है। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे परचेज करो। इसका जो परचेज कोड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें मैंने सिल्वर कलर लिया है, इसमें गोल्डन कलर भी है तो अगर आपको सिल्वर नहीं लेनी है तो आप गोल्डन भी ट्राई कर सकते हो। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, प्राइस अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छी शाइन कर रही है।
लुक आप देख ही रहे हो साइड में। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो देख पाओगे। तो फिर मिलती हूँ आप सभी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।